नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में 60 साल से कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल पर मेरे दुबले पतले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलड़ा भारी। मध्य प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मध्य प्रदेश देश का नंबर वन राज्य बनेगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। यह दावा किया है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने। उन्होंने दतिया में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश और मध्य प्रदेश में विकास की तुलना की जाए तो 60 साल कांग्रेस के नेहरू सहित प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की तुलना में मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी है। मध्य प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकाल के मुख्यमंत्रियों की तुलना में मेरे दुबले पतले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पल्ला भारी है। सबका साथ सबका विकास के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा की फिर सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि तुलना की जाए तो 60 साल में कांग्रेस ने एक भी पक्का मकान देश के गरीबों को नहीं दिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 3.5 करोड़ पक्के मकान देश के गरीबों को दिए। 12 करोड़ गैस टंकी, चूल्हा, हर घर नल जल योजना, 2025 तक ऐसा कोई घर बाकी नहीं रहेगा जहां नल और जल ना होगा। गांव शहर के भेद को प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म किया, इसलिए 60 साल बनाम 9 साल मोदी के भारी हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। 3.5 करोड़ पक्के मकान या कांग्रेस ने एक भी नहीं बनाया था। उसके बाद में 12 करोड़ के टंकी झूला और हर घर नल से जल की बात करो, कोई हिंदुस्तान में 2025 तक कोई नहीं रहेगा जहाँ पानी, जो इस तरह पीने के पानी के घर में। गांव शहर का भेद खत्म कर दिया और अब देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और इसलिए जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में हुआ। एक तरफ नेहरू जी से लेकर कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्री को एक पलवे पे बिठा दो और एक पलवे पे मेरे मोदी जी को बिठा दो तो मोदी जी का पलवा भारी है। एक तरफ सारे मुख्यमंत्रियों को बिठा दो कांग्रेस के 60 साल के, एक तरफ मेरे दुखले पत्र शिवराज जी को बिठा दो, पलवा भारी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक पैसा नहीं है कांग्रेस, और इसलिए हम जनता को जागरूक करेंगे और जागरूक करके सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश देश का नंबर वन राज्य बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और खरीदी में घोटाले आए हैं, मिट्टी निकल रही है। मेरे पास अभी सुबह ही मैंने पेपर पढ़ा और कुम्हेड़ी सहकारी समिति का कारनामा, चना 789 क्विंटल में 25% चना बाकी है। मैंने तत्काल कलेक्टर को, DDO को, अधिकारियों को बुलवा के निर्देशित किया है, कलेक्टर को आज ही FIR करें और जो जो अधिकारी कर्मचारी मिले हुए उनके खिलाफ भी FIR करें, उनको सस्पेंड करें और दोषी पक्ष में जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि इसी के लिए दूसरी हिम्मत ना कर सकें। अक्सर ये देखने में आता है खरीदी केंद्रों पर कि बहुत, मैंने हम रेंडम चेक कराते थे कि चेक करवाया है कलेक्टर ने, जब शिकायत आई तो जांच कराई और जांच कराने पे ये पकड़ा गया। अगर प्रशासन की या शासन की मंशा नहीं होती तो ये नहीं पकड़ाते, और इसलिए नीचे गड़बड़ी हुई है और वेयर हाउस वालों ने और उनने मिलकर किए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। FIR होगी, जेल जाएंगे हमेशा के लिए, वो वेयर हाउस ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में सुशासन दिया है, जो भी गलत करेगा बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही हमारी जानकारी में आया उसकी जांच कराई और ये जांच करने में तो पाया गया, पता नहीं चलता ना मेरा उसमें ताले लगे रहते हैं, अंदर कौन गया है, लेकिन जब पता लगा जांच शिकायत की और शिकायत की जांच हुई और जांच में पंचनामा बनाया और उस पर FIR के हमने निर्देश दिए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।